अमित जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक इंटरेस्टिंग बात कही है उन्होंने ये कहा है कि अगर वो पार्टी पावर में आई तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करेंगे इसके बारे में आपकी क्या विचार है मैं तो धन्यवाद हूँ आपने सवाल पूछ लिया मैं अखबार में देख रहा था अब आपने पूछ ही लिया है तो यहीं पर जवाब स्पष्ट कर देता हूँ सबसे पहली बात कांग्रेस को सरदार पटेल का नाम देने का अधिकार ही नहीं पूरा जीवन सरदार को इतिहास में उचित स्थान न मिले इसके पीछे एक गांधी नेहरू परिवार ने लगा सरदार पटेल की अंत्येष्टि से लेकर सरदार पटेल का स्मारक बनने से लेकर सरदार पटेल को भारत रत्न देने तक कोई भी काम इन्होंने रोड अटकाने के अलावा नहीं किया नरेंद्र भाई ने विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा यहां पर सरदार साहब के स्मारक में बनाई क्या बात कर रहे हो सरदार सरदार किया नरेंद्र भाई ने देश भर के साढ़ा आठ करोड़ किसानों के औजारों का लोहा पिघलाकर किसान नेता सरदार पटेल का लोह पुरुष सरदार पटेल का विश्व का सबसे बड़ा पुतला बनाने का बात एक भी कांग्रेसी नेता आज तक वहां पर पुष्पांजलि करने नहीं गया प्रतिमा किसने भी बनाई हो आपके शासन में बहुत सारी प्रतिमा बनी है महापुरुषों के हम जाते हैं आदर भाव व्यक्त करते हैं क्योंकि ये प्रतिमा सरदार पटेल की नरेंद्र भाई ने बनाई इसलिए आप नहीं जाते ऐसा नहीं है क्योंकि ये सरदार पटेल की प्रतिमा है इसलिए कांग्रेस ही नहीं जाते और सरदार पटेल को हमेशा अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल के नाम पर ना कोई योजना बनी ना कोई बड़ा स्मारक बना ना आपने भारत रत्न दिया जब कांग्रेस गई तब जाकर भारत रत्न मिला सरदार पटेल को और आज आप सरदार पटेल की एडवोकेसी कर दो तक स्टेडियम का सवाल है मैं स्पष्ट कर दू वहां पर एक स्टेडियम था और आज वहां पर एक स्टेडियम बना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है परंतु कांग्रेस झूठ प्रचार कर रही है वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बना है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें टोटल 18 स्टेडियम बनने वाले हैं उसमें से एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और वो पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है सरदार पटेल के नाम को उनकी स्मृति को हमने एक्सपांड कर एक की जगह अठारह स्टेडियम में लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं वो इस प्रकार के मुद्दे और क्या समझते हो आप गुजरात की जनता गुजरात की जनता आपके झूठी बातों में आ जाएगी नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सरदार पटेल की फोटो लगाना शुरू किया है पचास साल तक कांग्रेस के स्टेज के पीछे कभी सरदार पटेल की फोटो हमने नहीं देखी पचास साल तक कांग्रेसियों के मुंह से सरदार पटेल नाम हमने नहीं सुना इतना बड़ा स्मारक बना एक भी कांग्रेसी नेता वहां पुष्पांजलि करने नहीं गया और आप सरदार पटेल की बात करते हो भाई भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मानता है कि सरदार पटेल न होते तो आज ये देश का स्वरूप न होता देश अखंड न होता देश का आज का संविधान भी न होता सरदार पटेल के योगदान के लिए हमें कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है ना इनकी स्मृति के लिए कुछ करने की जरूरत है वही स्टेडियम पर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसका नाम रखा गया है और वहां आने वाले दिनों में चुनाव के बाद गति से शुरू हो जाएगा अठारह अलग अलग खेलों के स्टेडियम बनेंगे और अगर हम ढंग से परफॉर्म कर पाए तो वहां पर ओलंपिक भी होगा विश्व का ओलंपिक सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा i mean